Hello students, I am Professor Neeta Fulchan Gaikwad. Welcome on our free education channel English Master. Dear students, in today's session let's learn about IAS कैसे बने. ये IAS क्या है? This is for Indian Administrative Services. यानी कि अगर आपको collector की post, यानी कि this is the government post, जो कि UPSC through आप achieve कर सकते हो, तो ये कैसे बने? क्योंकि after 10th and after 12th most of the students are thinking about कि अगर government field में job करना है, अगर आप aspirant हो, आप में ability है, आप पढ़ाई में आपका मन लगता है, तो आप जरूर बन सकते हो. तो चलिए देखते हैं कि IAS कैसे बने. So इसमें हम point to point discuss करने वाले हैं आज के इस session में. इसके लिए qualification क्या रहेगा, age limit क्या रहेगी, exam कैसे होता है, syllabus क्या cover करना होगा, and then attempts कितने होते हैं, cut off कितना निकलता है, and the salary कितना मिलता है. ओके, सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि ये एक बहुत ही हम ऐसे बोले कि रिस्पेक्टिव पोस्ट है. इससे आपको दो चीजें मिलती है, एक तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, उसके साथ साथ आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और आप देश की सेवा करते हो. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE इज अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया. ये नेशनल लेवल पे ली जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. दिस इज कंडक्टेड बाई द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट वेरियस सिविल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इससे जो बाकी के जो पोस्ट होते हैं, क्लास A1 की जितनी भी पोस्ट रहती है, उसके लिए रिक्रूट किया जाता है. सो चलिए आगे देखते हैं. फाउंडेड, यानी कि ये कब फाउंड कराया गया है, ठीक है. सो द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज द प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो रन किया जाता है थ्रू दिस डिपार्टमेंट. हायरार्की वाइज IAS इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अमंग द 24 सर्विसेज लाइक IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज है, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है. पॉपुलरली नोन एज द IAS एग्जाम, ऑफिशियली इट इज कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. UPSC थ्रू फॉर्म्स निकलते हैं, एप्लीकेशन निकलता है, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, एंड देन आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाता है. तो चलिए देखते हैं IAS एग्जाम हाइलाइट्स, यानी IAS के जो एग्जाम होती है, UPSC की जो एग्जाम होती है, उसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे हम. This exam is civil services examination करके इसे बोला जाता है CSE. एग्जाम का लेवल होता है नेशनल लेवल की एग्जाम होती है. ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो होती है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यानी कि इसके एग्जाम्स किन के थ्रू होते हैं, UPSC के थ्रू. इसके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरा जाता है, और UPSC थ्रू ही रिक्रूटमेंट होता है. एग्जाम का टाइप रहता है पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन. नंबर ऑफ सर्विसेज जो ऑफर है दैट इज 24, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 6 अटेम्प्ट है. नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 720, यानी कि ये जो नंबर है ये बदलते रहते हैं एज पर द रिक्रूटमेंट. एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन आता है, एंड एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन मोर देन 8 लाख कैंडिडेट्स एवरी ईयर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना होगा वो देखते हैं. इसमें नेशनलिटी क्या लगती है, फर्स्ट है कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास भारत का नागरिकत्व होना चाहिए. कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान. कैंडिडेट मस्ट बी अ तिब्बतीयन रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर January 1, 1962 टू बी सेटल परमानेंटली इंडिया. यानी कि जो नेपाल या फिर भूटान से जो कैंडिडेट आए हैं इंडिया में, तो वो January 1, 1962 से पहले यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो चुके रहने चाहिए. कैंडिडेट मस्ट बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम इथियोपिया, केन्या, मालावी, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तांजानिया, युगांडा, वियतनाम, ज़ेयर और ज़ाम्बिया विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया. इन दिस कंट्री, ये जो जितनी भी कंट्री मैंने आपको बताई, अगर आप वहां से इंडिया में माइग्रेट हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो UPSC के लिए अप्लाई करने के लिए.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कि आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई कौन सी भी एक डिग्री होनी चाहिए बैचलर की। सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट्स who have appeared for the qualifying examination and are awaiting result, or those who are yet to appear for the qualifying examination are also eligible for the preliminary examination, जो प्री का एग्जाम होता है, ठीक है? प्री का जो एग्जाम पहले दिया जाता है, तो अगर आप बैचलर की डिग्री के लास्ट ईयर में हो, अगर आपने एग्जाम दी है कॉलेज की, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। सच कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग द सेड एग्जामिनेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर द मेन एग्जामिनेशन। और प्री के बाद सपोज कि आपने एग्जाम दी है लास्ट ईयर की, और प्री आपने दिया, और प्री के बाद मेंस होती है, सेकेंड वाला जो ये मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहते हो मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। The third point is candidates with professional and technical qualifications recognized by the government or its equivalent are also eligible to apply, यानी कि जितने भी candidate जो technical field से आते हैं, engineering के candidate भी apply कर सकते हैं। Number four, candidates who have passed the final year of MBBS or any medical examination but are yet to complete the internship can also appear for the main examination. MBBS के candidates भी apply कर सकते हैं। However, they must submit a certificate from the concerned university that they have passed the final professional medical examination. Proof exam pass, आपने exam pass कर दिया है, उसका proof लगता है, यानी कि उसका admit card हो या फिर आपका passing certificate हो। So these are the mandatory documents, ये होता है educational qualification to apply for the UPSC exam. Let's check the number of attempts. Restriction on the maximum number of attempt is effective since 1984 से ये attempts जो है इसका restriction दिया गया है। तो पहले देखते हैं, फॉर जनरल कैटेगरी की जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं अप टू 32 इयर्स तक, उनको 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नो लिमिट है अप टू 37 ईयर तक, यानी कि 37 ईयर तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आप 32 ईयर तक 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 35 ईयर्स तक। फिजिकली हैंडीकैप 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि उसमें भी जनरल एंड ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वाइल अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो होते हैं जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के, आप 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, और एससी एसटी कैंडिडेट्स आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं इफ यू आर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। लेट चेक द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईएएस बनने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर गोइंग टू प्ले, राइट? द रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इज वेरी वल्नरेबल, डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेवरेंस, यानी कि आपको एक मान सम्मान भी मिल जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट एन ऑफिसर इज फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड हेल्दी टू हैंडल द वर्क प्रेशर विदाउट गिविंग इन, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप हालात को संभाल सको, ऐसी आपकी मेंटली और फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए। अगर आप मेंटली और फिजिकली खुद को बहुत ही स्ट्रांग मानते हो, तो अप्लाई इस पोस्ट के लिए आप कर सकते हो। द फॉलोइंग आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एन आईएएस ऑफिसर इज डेप्यूटेड। चलिए अभी इसके लिए जो रोल्स रहेगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। द नंबर वन, Handling affairs of government that involve framing and implementation of policy in consultation with the concerned minister, यानी कि आप government के उस sector में जा रहे हो जहाँ पर आपको minister से consult करके decision लेने पड़ते हैं। Implementing policies through supervision and also traveling to the places where the approved policies will be implemented, यानी कि पूरे देश में, in the country of India, anywhere आपका recruitment हो सकता है, वहाँ पर जाने के बाद as per the policy of that particular स्टेट आपको काम करना पड़ता है। नंबर थ्री, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज कंप्राइजेस डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स थ्रू पर्सनल सुपरविजन, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा। आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी वायोलेशन ऑफ रूल्स व्हाइल ऑन ड्यूटी, यहाँ पर देखिए अगर आपके हाथ से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस आप वायलेट करते हो, तोड़ देते हो, कोई नियम टूट जाता है, तो आप आंसरेबल रहते हो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को इन द पर्टिकुलर स्टेट वेयर यू आर वर्किंग। देन नेक्स्ट इज
फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर एट डिफरेंट लेवल ऑफ करियर। यहाँ पर हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्शन में आपके पोस्ट वाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। इनिशियली IAS ऑफिसर्स ज्वाइन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एट द सब डिविजनल लेवल, रेज्यूमिंग देयर सर्विसेज एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स एंड लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट वर्क इन द एरिया असाइन टू देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हो, ठीक है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इज द स्टेट बट यू आर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूना, सो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज काम हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद है द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर इज द हाईली रेस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट द IAS ऑफिसर्स एंजॉय। यानी कि आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप रहते हो या फिर डेप्यूटी कमिश्नर आपको बोला जाता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल an IAS officer deals with district affairs including implementation of developmental programs. जिस district में आपका appoint किया गया है वहाँ का development आपको देखना है। The officers may also be appointed in the state secretariat or they may serve as heads of department or in public sector undertaking. They may serve in different positions from the state to the center and vice versa. यानी कि center level पे आपको काम करना है, state level पे आपको काम करना है, so you are responsible for every kind of work which is assigned to you by the government. This happens through deputation. At the center, IAS officers serve at the highest position as the cabinet secretary, secretaries or additional secretaries, joint secretaries, directors, deputy secretaries and under secretaries. So this is the role जो आपको central government में मिल सकता है। They are appointed to this post based on seniority और आपका जो अनुभव है, जो experience है, उसके मुताबिक आपको ऊपर के post पर अपॉइंट किया जाता है। एट द सेंटर द IAS ऑफिसर्स प्ले अ की रोल इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर इंस्टेंस फाइनेंस, कॉमर्स एटसेट्रा। ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग IAS ऑफिसर्स सर्विंग एट डिफरेंट लेवल, joint secretary, deputy secretary give their valuable inputs. The policy takes its final shape through a final decision, the minister concerned or the cabinet, depending on the seriousness of the situation. तो यहाँ पर अगर आप में ability है, this is the आपका जो ability है, उसके बाद आप stress कितना ले सकते हो और pressure की situation में आपको decision आपको अच्छा, यानी कि करेक्ट डिसीजन आप ले सकते हो क्या। सो दीज आर सम क्वालिटीज जो एक IAS ऑफिसर में होनी चाहिए। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको अपना करना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर आपका ड्रीम है तो। UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम पैटर्न, अभी देखिए कि प्री का एग्जाम जो रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, ये रहता है 400 मार्क्स का। ओके, सो फर्स्ट आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकला, आपने 400 मार्क्स का प्री का एग्जाम देना है। तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, द IAS प्रेलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स। यहाँ पे टू पेपर्स रहते हैं, जनरल स्टडीज एंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोला जाता है CSAT। Both the question papers will be of the objective type, multiple choice questions, MCQ type question paper का pattern रहता है। The duration of the exam is 2 hours, 2 घंटे में आपको 400 marks के वो questions solve करने पड़ते हैं। Paper 2 CSAT in the civil service preliminary examination is a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. आपको minimum 33% लाने हैं CSAT के paper में। The prelim consists of 2 papers of 200 marks each. The question paper will be set in both Hindi and English. अभी देखिए जो UPSC का एग्जाम आप देने वाले हो, क्वेश्चन पेपर का सेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। हाउएवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वुड बी प्रोवाइडेड ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट रहता है वो ओनली इंग्लिश में रहता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताया नहीं जाता। ब्लाइंड कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड एन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर। जितने भी ब्लाइंड कैंडिडेट्स है वो अगर अप्लाई कर रहे हैं सो उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। अभी IAS प्रीलिम सिलेबस में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 मैंने आपको बताया, सो व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस यू आर गोइंग टू फेस, सो दिस इज आपको इसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसेस। नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको हिस्ट्री का पढ़ाई करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट रहेगा। उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसेस है।
थर्ड पॉइंट रहेगा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें फिजिकल जियोग्राफी रहेगा, सोशल जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक जियोग्राफी रहेगा इंडिया का एंड पूरे वर्ल्ड का। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ाई करनी है, एक तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा, इन टॉपिक पर आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और जनरल साइंस के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। सो दिस इज द पैटर्न फॉर द पेपर वन, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। अभी पेपर टू जो रहेगा, दिस इज ऑल्सो फॉर जनरल स्टडीज पेपर टू, इसमें रहेगा कॉम्प्रेंशन, then interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, कि आपका decision making का वहाँ पर कितना ability है वो check हो जाता है, decision making and problem solving के questions रहते हैं, general mental ability के questions रहते हैं, basic numeracy में आ जाता है, numbers and their relations, order of magnitude etc, class 10 level का आपको maths का वहाँ पर और पढ़ाई का बहुत ही फायदा हो जाएगा। data interpretation में आ जाता है charts, graphs, tables, data sufficiency etc, class 10th level। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा students, आपको class 10 level का पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अगर इस साल आपने क्लास 10 प्रमोट हो चुके हो, क्लास 10 पास आउट हो चुके हो, क्लास 11 12 में आप जाने वाले हो, या फिर क्लास 12 पास आउट हो चुके हो, तो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप पढ़ाई के लिए शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने में, 8 महीने में या फिर 1 साल में अगर आपने पढ़ाई किया और यूपीएससी के लिए ट्राई किया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द वास्ट सिलेबस, वास्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम, आप इसे आपको पढ़ाई करनी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम पैटर्न ये रहेगा, टोटल 2025 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट्स हू क्वालिफाई प्रिलिमिनरी एग्जाम आर कॉल्ड फॉर द मेन एग्जाम। अगर आप प्री पास कर जाते हो, प्री में आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको मेन एग्जाम का एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेन एग्जाम दे विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। अगर मेंस भी आप अच्छे से पास आउट कर जाते हो, स्कोर कर जाते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। द टोटल मार्क्स ऑफ द मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू सम अप टू प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो ये तीन जो चीजें हैं, इनके ऊपर आपका टोटली जो स्कोर है वो डिसाइड हो जाता है। The written examination consists of the following papers. यहाँ पर ध्यान रखिएगा students की paper का pattern क्या है? Paper A, this is for the mains, okay? So mains में क्या रहेगा? One of the Indian language to be selected by the candidate from the language includes in the 8th schedule to the constitution. यानी कि आपका जो mother tongue है, for example मराठी, English, हिंदी, जो कोई भी कन्नड़ा, उर्दू, जो language रहेगा, तो उससे में आप अपना mains का paper A दे सकते हो। ये total रहेगा 300 marks का। Paper B रहेगा इंग्लिश का, इंग्लिश के टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पर आ जाएंगे। पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट रैंकिंग। अभी मेरिट रैंकिंग के लिए कौन से पेपर काउंट किए जाते हैं, देखिए पेपर वन एसे राइटिंग का होता है, 250 मार्क्स का एसे राइटिंग आएगा। पेपर टू में जनरल स्टडीज वन, अगेन जनरल स्टडीज है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, दिस इज फॉर द 250 मार्क्स। अगेन पेपर थ्री इज फॉर जनरल स्टडीज टू करके इसे बोला जाता है, दिस इंक्लूड्स गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस and international relations, and this is for the 250 marks. Let's check what is next. पेपर फोर रहेगा आपका, दिस इज फॉर जनरल स्टडीज पार्ट थ्री, एंड इसमें क्या क्या आएगा, तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज फॉर 250 मार्क्स। पेपर फाइव रहेगा जनरल स्टडीज फोर, सो इसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेगा 250 मार्क्स के। पेपर सिक्स रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर वन, 250 मार्क्स, एंड पेपर सेवन रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर टू, 250 मार्क्स। सब टोटल रिटर्न टेस्ट का हो जाता है 1750, पर्सनैलिटी टेस्ट के आपके 275 मार्क्स, एंड लाइक दिस आपका ग्रैंड टोटल यहाँ पर हो जाता है 2025 मार्क्स का, आपका मेन्स का पेपर यहाँ पर हो जाता है। सो दिस इस तरह से ये मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। एक्सक्यूज मी, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। अभी देखिए कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा वो कौन कौन से रहेगा, एक तो एग्रीकल्चर रहेगा, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स है,
तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हो, आपने कॉमर्स से पढ़ाई किया है, साइंस से किया है, आर्ट से किया है, सो इट डजंट मैटर, आपने जो पढ़ाई किया है उसी में आप कोई भी एक सब्जेक्ट स्पेशल चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स. नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट बहुत से बच्चे ज्यादा सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है. लाइक दिस, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा फोकस किया जाता है, सोशियोलॉजी को फोकस किया जाता है, स्टैटिस्टिक एंड जूलॉजी. सो दीज आर सम सब्जेक्ट्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हो. लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, अगर आपने BA MA कंप्लीट किया है इन आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, सो आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज एज फॉर द आपका स्पेशल सब्जेक्ट के लिए चूज कर सकते हो. सो एंड द सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है, हाँ, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है और उसकी सैलरी कितनी होती है, ये सब बच्चों में बहुत क्रेज रहता है. ठीक है, सो सही बात है, आपको पता होना चाहिए. द बेसिक पर मंथ सैलरी ऑफ एन IAS ऑफिसर स्टार्ट्स 56,100 एंड जो TAD एंड HRA जो एक्स्ट्रा का जो आपको वहां पर बेनिफिट्स होते हैं, ये सब मिलाकर आपका सैलरी 2,50,000 रुपीज मंथली हो जाता है. देखिए, HRA डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी अभी क्लास 10 का जो ऑफिसर क्लास X है, तो 8 सिटीज ओनली 24% है HRA. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुडुचेरी, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे. क्लास Y के जो ऑफिसर रहते हैं उनको अराउंड 100 टाउन्स विद अ पॉपुलेशन अबव 5 लाख में 16% HRA मिलता है. क्लास Z के ऑफिसर को रूरल एरियाज में 8% HRA मिलता है. और डेयरनेस अलाउंस यानी कि DA जो बोलते हैं, ये नाउ क्रॉसेस 50-100% ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है. द ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द DA विच कैन रीच अप टू 125% नाउ. तो इस हिसाब से आपको, अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी गवर्नमेंट का कोई पोस्ट आपको लेना है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि UPSC दिस इज फॉर द नेशनल लेवल, बट लाइक दैट स्टेट लेवल का, हर एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन एवरी सिटी, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर एक स्टेट में स्टेट लेवल का भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है, जो स्टेट लेवल के क्लास BCD जो ऑफिसर रहते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए एग्जाम लिया जाता है. तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो छोटा सा बना दूंगी. आई होप कि आपको आज समझ में आ गया कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट इट, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल लेक्चर फॉर यू गाइज. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स के ये लेक्चर आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.